पतरातू डैम और पतरातू घाटी जहां कभी पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी और इसके सुंदर वादियों में लोग सुबह से शाम आनंदित हुआ करते थे, वह स्थल आज वीरान है। कोरोना ने उसकी रौनक छीन ली है। घाटी और डैम में लोगों के बिना सूना है, तो वही पर्यटक के बलबूते जिनका गुजारा चलता था, ऐसे दर्जनों नाव और उसके नाविक दोनों को इंतजार है पुराने दिन के लौटने का। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विकास पाठक की यह खास रिपोर्ट। झारखंड के सबसे हसीन वादियों में एक रामगढ़ जिले का पतरातू घाटी और पतरातू लेक रिजॉर्ट भी इससे अछूता नहीं है। अपने नैसर्गिक खूबसूरती के लिए यह न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में इसकी पहचान बनी कि इसके वादियों और सुंदरता से खींचकर देश भर से पर्यटक पहुंचने लगे थे। लेकिन आज पतरातू घाटी और पतरातू लेक रिजॉर्ट दोनों ही बिल्कुल वीरान पड़े हैं। लगता है मानो यह कह रही हो कि किस काम हमारी खूबसूरती जब कोई देखने वाला ही ना हो। लोगों का आवागमन नहीं होने की वजह से एक समय में गुलजार रहने वाली ये वादियां आज पूरी तरह से सुनसान हैं। पतरातू डैम के नाविक ही नहीं, यहां के दुकानदार भी इस बात से दुखी हैं और एक स्वर में कहते हैं कि दुख की इस घड़ी और कोरोना का यह भयावह रूप न जाने कब खत्म होगा और कब हमारे वे दिन फिर लौट आएंगे। हर किसी में मायूसी इस बात की कि खूबसूरती के लिए जाने जाने वाली पतरातू डैम बिल्कुल बेरंग दिख रहा है। यहाँ खाली खड़े नाव साफ दर्शाते हैं कि कैसे ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते होंगे, कितना कष्टमय होगा इन लोगों का जीवन। लोगों के इंतजार में खड़े रहते हैं नाविक सुबह से शाम तक, बस इंतजार ही करते रहते हैं शायद कोई आ जाए, जबकि कभी हर दिन बड़ी संख्या में जुटने वाली भीड़ और इन लोगों की कमाई दोनों देखने लायक होती थी। मगर अभी इन लोगों के पास अपने परिवार को तीन वक्त की रोटी खिलाने की भी परेशानी बढ़ गई है। पूरे पतरातू डैम में सन्नाटा पसरा है, विरले ही कोई लोग नजर आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी मोबाइल चलाते हुए या कोई गेम खेलते हुए अपना समय किसी तरह काट रहे हैं। प्रकृति की यह कैसी मार है अभी तक सभी के समझ से परे है। सब इसकी आस में बैठे हैं कि कब कोरोना नामक इस दैत्य से उन्हें छुटकारा मिलेगा। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट।